हेलो राम राम जी, कैसे हो? उम्मीद करूंगी सब ठीक होंगे और सेफ होंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और क्योंकि एकदम से मतलब सुबह से आम ठंड होती है और दोपहर को थोड़ा धूप अच्छी निकलती है। तो प्लीज़ अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, क्योंकि छोटे बच्चों का इस टाइम पे ज़्यादा ठंड लगती है। और आपको सबसे पहले आज है धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और कल दिवाली है, तो बस यही उम्मीद करूंगी कि दिवाली आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। बोलते हैं ना, बुराई पर मतलब अच्छाई की जीत हो। तो बस मैं यही कहूंगी कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो, आपके घर में खुशियाँ आए, लक्ष्मी माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। और धनतेरस पर आपने भी शॉपिंग की होगी, हमने भी सोचा था लेकिन नहीं जा पाए, बस कुछ रीज़न से। सोचा तो था कि कुछ ना कुछ लेकर आएंगे घर के लिए, अच्छी होती है। मतलब कि बोलते हैं कि धनतेरस के दिन मतलब चांदी बर्तन वगैरह कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं जा पाए। आप क्या कुछ लेके आए कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अभी है लगभग 4 बजे का टाइम और मैंने निकाली थी लड़ियाँ, सोचा था कमरे में लगा दूँ क्योंकि बाहर तो मुझसे नहीं लगेंगी, तो मैंने सोचा कमरे में लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बस इन चीज़ों का शौक होता है कि हाँ मतलब कि बच्चे खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं सोचा था अंदर ही कहीं लगा दूंगी। और जब मैंने इसको मतलब कि लगाया तो बस बोलते हैं ना चाइनीज़ आइटम है, मतलब कि हो गए इसको 3 4 साल हो गए मेरे साथ ही, से पहले की है ये। पिछले साल तो सही चली थी लेकिन अब की साल ख़राब हो गई। कुछ बल्ब हैं जो इसमें जल रहे हैं और कुछ नहीं जल रहे, तो अब तो ख़राब ही हो गई। देखते हैं अगर कल गए तो, वैसे दिवाली पे मतलब सामान तो लेकर आना ही है, कल चले जाएंगे तो कल देखते हैं मंगवाएंगे अगर लेकर आएंगे तो, क्योंकि बच्चों के लिए तो होती है, मतलब हमें इतना शौक नहीं होता, हम तो सिर्फ दिखाने के लिए जाते हैं। और लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा शौक होता है इन सब चीज़ों का। तो फिर देख लेते हैं क्या कुछ लेकर आते हैं, जो भी लेकर आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। और क्या था, आज सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, बस खाना बनावा थे हम, और एकदम से इतनी सारी भेड़ बकरियाँ आई। यो भी बस यही चरण आई थी, जो कल परसों गाय आई थी वहाँ भी दिखाई थी मैंने आपता, और ये भी उसे में आई हैं। तो मैंने सोचा आप सब तक शेयर करती हूँ, आपने भी अच्छा लगेगा। और जो मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी गोट मिल्किंग की, तो उन्हें मैं इनमें वही थी, लेकिन उस टाइम कम थी, ज़्यादा रख रहे हैं इस सीज़न में आया करें। तो पिछली बार भी आई थी, पिछली बार तो मैं नहीं दिखा पाई थी आपने, तो यही पे वापस जान लग रही हैं। और मैं बस आई थी थोड़ी देर वास्ते, रुकी, इन्हें नहीं खाया क्योंकि पहला इसमें जो गाय हैं वो खा के गई है, तो उसका इन्हें मतलब झूठा था कुछ था कि दिक्कत थी, पता नहीं क्यों नहीं इन्हें नहीं खाया, इस वक्त बहुत जल्दी वापस चली गई। फिर ये फ्रेंड्स, ईव मैं अभी आई हूँ, जो भैंसों का ब्रांड है उसकी साइड आ गई और ईव काटना है मैं सखतर चाट, क्योंकि दूध काटने का टाइम हो गया, 5 बज गए, बस 5 5 7 मिनट रह रही हैं 5 बजे में, तो तैयारी कर लिया दूध की, क्योंकि फिर लेट हो जाए है, छोटे छोटे तो पहले हो रहे हैं, तो पहले ये काट लिया, ठंडा हो गया क्योंकि हम रात ना रखा करें और इस टाइम तक आराम से ठंडा हो जाए है, तो ये काट दे। हाँ फिर थोड़ी पड़ी है, थोड़ी पर लगाना है, चलो फिर काट लूँ मैं एक बार, पहले ठंडा हो रहा जमीन देखो। दलिया ये नीचे लग गई है तो थोड़ा हवा हो जी है कि नीचे चिपक जाए, नहीं हो पहले जो मैं इसका है वो निकाल लूंगी, गाय का बाद में लगा देंगे, जो कटड़ी है वो तो लग रही है, बोलन भूख लग रही है इसने, सुना आपने बाहर है भी तो ले आऊंगे बंदर, उसने बच्चे लग रहे हैं, बोलो बच्चे ही उसमें सुनता को नहीं।
बेटा, खेलो, शरारत ना करो, खेलो खेलो शरारत मत। कौन किसकी आई नोए ना, इसकी जो बैग टाइप की थोड़ी आऊंगी। खेल लो पूरे, हेलो बार चाट तो निकाल ले फटाफट, मैं लगा दूंगी। तूड़ी तो पहले ही ये रखी थी, तो मैं फटाफट जो चाट निकाल लिया वरना उसने उठा कर पहले भैंस का लगाऊंगी। और क्योंकि यो जो गाय है उसकी मिल्किंग तो हम कर शाम के टाइम कर देनी, तो इसका जब हम शाम ने दोबारा अंदर बांधे करें रात में, तो उस टाइम में लगा देंगे। सिर्फ हम जो भैंस है उसका लगावाएंगे, और इब्बे बस मैंस कार जो उसकी कटड़ी है उसका लगा दूंगी मैं, क्योंकि वो अभी तो खाने लगी, वो 3-4 महीने की होगी। और उन दोनों का लगा के बस छोड़ दूंगी। फिर आटा अभी भी नहीं लगाना, आटा लगाऊंगी बाद में, क्योंकि फिर जब बस मिल्किंग करेंगे तब भी लगा दूंगी आटा लगा के अपना। बस फिर अंदर ले आऊँगी उन्हें और फिर अपना मिल्किंग कर लेंगे। टाइम तो हो गया, बस ये भाई जो कटड़ी का उसका भी निकाल के इसमें रख दूंगी। थोड़ा सा है, मतलब ज़्यादा तो नहीं खाती हो, इबे बस शुरू करे उसने खाना, तो बस थोड़ा है निकालना है, बस ये फटाफट हाथ धो लूँगी और फिर इब लेकर आऊँगा उसने अंदर। पहले मैं इसने खोल देंगे, मैं इसका पता नहीं क्यों रहा सवेरे इसने ब्रेड देख ली, उन्हें देख के पता नहीं बस वो कह रहे कन्फ्यूज ही हो रही है यार, उन्हें देख उसने नहीं लगा इब भी वो ही होंगे, तो सवेरे की बिचड़ सी रही है यो इब न्यू। पहले जिस तरह उन्हें देखे सवेरे देखा था नहीं इसने, तो न्यू देखा है इधर उधर तो आवाज़ आवा, इसने भी बैम्स हो गए इसके, देखियो किस तरह मुँह उठा रही है, देख कर डर गई हो मैंने ये। फिर मैं वहीं जान लग रही हूँ मिल्किंग करने वास्ते। आप सबकी रिक्वेस्ट पर थोड़ी सी मिल्किंग मैं भी करूँगी, ज़्यादा तो पूरी तो नहीं करूँगी, थोड़ी सी ही करूँगी। पहले काट ले, जुकाम हो नहीं इन्हों जान आए।